वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए मैंने मज़े की रेसिपी लाई हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, गोभी गोश्त, जो कि बहुत से लोगों का फेवरेट होता है और मेरी भी सबसे फेवरेट डिश है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ऑयल ले लिया है और फ्लेम हमने ऑन कर लिया। अब इसमें एक प्याज गुंडा करना हम डाल देंगे, ठीक है। हम इसे हल्का सा पकाएंगे, नरम सा सॉफ्ट सा हो जाए प्याज। गोभी गोश्त ज़्यादा ड्राई अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, ठीक है। ड्राई ड्राई गोभी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। इसमें मिर्चें और नमक थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, इससे फिर फीकी फीकी नहीं अच्छी लगती ना गोभी। चलिए फिर इसका अगला स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन सा इंग्रीडियंट डालना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है, हम इसमें अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट एक साथ बनाकर 1.5 चम्मच डालेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1.5 चम्मच डालेंगे। अब नेक्स्ट इसमें हम ऐड कर देंगे एक टमाटर, मैंने छिलका ऊपर से उतार दिया है, ठीक है, वरना छिलका पूरी हंडिया में आता है सालन में, अच्छा नहीं लगता। एक ही लिया है मैंने टमाटर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो मसाले में ऐड करूँगी, मैंने इसमें 2 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर और 1.5 चम्मच नमक लिया है और 1/2 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला और बाजारी गरम मसाला, घर का गरम मसाला जो मसाले बताते हैं, जैसे सिंपल मसाले होते हैं ब्लैक पेपर, सिनेमम, बड़ी इलायची, वो घर में बनाया जाता है, वो रखती है। 1/2 इसमें हल्दी का चम्मच डाला है, ठीक है, और ब्लैक पेपर 1/2 चम्मच, ठीक है। बिस्मिल्लाह, अब हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसमें हम चिकन डालेंगे, ठीक है, 1/2 किलो मेरे पास चिकन है और एक छोटा सा बिल्कुल गोभी का फूल था, ठीक है, गोभी का एक छोटा सा ही लिया है। तो आपने अपने हिसाब से, अगर बड़ा हुआ तो आपने उसे 1 किलो चिकन कर देना है, ठीक है। अब इसमें ऐड करते हैं, अब चिकन को पहले भूनते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन जब अच्छी तरह थोड़ा सा भून जाए फिर उसमें गोभी ऐड करना है, ठीक है। हमने चिकन को भूनना है अच्छी तरीके से, फ़ौरन नहीं हमने इसमें गोभी डाल देनी, ठीक है। हमने चिकन को अच्छी तरीके से भूनना है, जब इसकी भुनाई होती है ना हलिया की, जब किसी भी चीज़ की भुनाई होती है तब बहुत टेस्टी और जायकेदार बनती है, ठीक है, और कलर भी बहुत अच्छा आता है हलिया। थोड़ा सा पानी का छींटा भी मैंने इसमें डाला, थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है ताकि जो मसाला है या चिकन है नीचे ना लगे, ठीक है। अब इस स्टेज पे जब हम चिकन की अच्छी तरीके से भुनाई कर लें तो इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी गोभी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने इस तरीके से काटी है, आप बड़े भी काट सकते हैं, पर हमने हमारे घर में तो फार्म नहीं की जाती, इतने बड़े बड़े मैश हुई हुई गोभी को ज़्यादा टेस्टी लगता है हमें, खड़ा खड़ा नहीं फार्म हमें, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम, साथ साथ अपने चूल्हे को और अपने सारे काउंटर को भी साफ़ और क्लीन करते जाएंगे ताकि हमारा मैस क्रिएट ना हो और हमें मुश्किल ना हो ना कि हमने कुछ पकाया है और बाद में मसला इतना घर में गंद, किचन में थोड़ी गंद हो गया तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। साथ साथ हम क्लीन भी करते जाएंगे, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि हमारी गोभी और गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए और इसमें मैं थोड़ा सा ऊपर से धनिया डाल दूँगी, ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है। अब हम इसे पकने देंगे, धीमे से फ्लेम कर लेंगे, नीचे से आग बिल्कुल धीमी कर लेंगे, ठीक है। फाइनल लुक चेक कर लीजिए, आई होप सो आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। और अपने घर में भी बनाइए, दुआ में याद रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।